नमस्ते बच्चों, अब तक हम य र ल व श, ये श से शलगम वाला तक लिखना और पढ़ना सीखे हैं। आज हम ये श से षटकोना और ये जो स है स से सफेरा, वो दोनों पढ़ेंगे और लिखेंगे। अभी ये देखिए क्या है, ये भी श है और ये भी श है। ये श से शलगम है, ये श से षटकोना, ये जो फिगर है उसको क्या बोलते हैं, षटकोना। श से षटपद, श से शरबत। फिर बोलो बच्चों, श, श से षटकोना, श से षटपद, श से शरबत। अभी नेक्स्ट पेज में स, स से सफेरा, स से सब्जी, स से समर। क्या है ये स, जैसे र लिखते हैं ना, र लिखने के बाद एक छोटी लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये क्या हो जाता स। स से सफेरा, स से सब्जी, स से समर। ठीक है बच्चों, अभी आपकी राइटिंग बुक है ना, वो राइटिंग बुक में आपको लिखना है। देखिए ये श है, ये जो लिखावट है ना उसके ऊपर लिखिए, फिर ये जो खाली जगह है वहाँ पे भी लिखना है। आप प लिखे ना बच्चों, प, प से पतंग, पहले प लिखना है और फिर एक छोटी सी लाइन अंदर देना है, तो ये क्या हो जाता है श, श से षटकोना। फिर और एक बार देखिए, प, प लिखना आता है ना बच्चों आपको, प लिखिए और फिर यहाँ अंदर एक छोटी सी ऐसी लाइन खींचिए, तो क्या हो जाता है श, श से षटकोना। और ये कौन सा लेटर है, स, स से सब्जी, ये जो लिखावट है उसके ऊपर लिखिए और ये जो खाली जगह है, आपको र लिखना आता है ना, र लिखिए, फिर एक छोटी सी लाइन और एक स्टैंडिंग अप लाइन और ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या हो जाता स, स से सब्जी। ऐसे ये फुल पेज लिखिए, ये भी फुल पेज लिखिए। फिर ये जो आपकी क्लास वर्क बुक है, वो क्लास वर्क बुक में ये श से षटकोना दो पेज लिखना है, ऐसे फोर टाइम्स लिखिए, लाइन डालिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाइए। और नेक्स्ट पेज में स से सब्जी, ये भी दो पेज लिखना है, फोर टाइम्स लिखिए, लाइन डालिए और स से सब्जी एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाइए।